हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे सो so, आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में ऑल right, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लीफ के बारे में बताया था और उसका कंप्लीट मॉर्फोलॉजी बताई थी सो so, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल लीफ लीफ के ब्रॉडली टू टाइप्स होते हैं पहला है सिंपल लीफ सेकेंड वन इज कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ में क्या होता है सिंपल लीफ मीन्स सिंगल अनडिवाइडेड लामाइना जो लामाइना होता है सिंपल लीफ में वो क्या होगा सिंगल होगा और अनडिवाइडेड होगा यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सिंपल लीफ इन विच द लमाइना इज अनडिवाइडेड ठीक है दिस इज द लीफ मार्जिन दिस इज द मिड रिब एंड दिस इज द लामाइना और इन केस ऑफ सिंपल लीफ द लामाइना इज अनडिवाइडेड इफ समम डिवाइडेड द इंसाइजन डू नॉट टच द मिड लीफ मिड रिब ऑफ द लीफ और राइट इसका क्या मतलब हुआ जो सिंपल लीफ होती है उस केस में हमें यह देखने को मिलता है कि जो ये लमाइना है लमाइना मतलब ये पूरा पार्ट ठीक है ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कम्प्लीट पार्ट क्या है लमाइना है ये जो सर्फेस एरिया आपको लीफ का दिख रहा है दिस इज़ द लमाइना इन केस ऑफ सिंपल लीफ ये लमाइना क्या होता है अनडिवाइडेड होता है और right और कहीं कहीं पे हमें डिवाइडेड दिखता भी है कुछ लीव्स हमें ऐसी दिखती हैं जहाँ पे हमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं कहीं पे तो वो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है अगर लमाइना कुछ डिवाइडेड भी है लमाइना में कुछ डिवीजन है तो वो डिवीजन क्या होता है उनको बोलते हैं इनसाइजन उनको क्या बोलते हैं हम इन बोलते हैं वो इनसाइजन जो है मिड रिप को टच नहीं करते हैं ऑल right ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल लीफ के केस में जो इंसाइजेंस होते हैं वो मिड रिप को टच नहीं करते और राइट right, जो लमाइना होता है वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं सिंपल लीफ बोलते हैं ये डायग्राम आपको सिंपल लीफ का दिख रहा है नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीफ के केस में क्या होता है आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लमाइना डिवाइडेड इंटू मैनी सेगमेंट्स इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है जो लमाइना होता है वो मैनी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं लीफलेट और राइट उसको हम क्या बोलते हैं लीफलेट बोलते हैं और से कंपाउंड लीफ के केस में हमें क्या देखने को मिलता है ये देखिए यहाँ पे मैंने कंपाउंड लीफ का डायग्राम बनाया है ये क्या है हमारी लीफ की मिडरिप है दिस इज़ द मिडरिप ऑफ द लीफ और ये क्या है लमाइना है और यहाँ पे अब लमाइना क्या हो गया कंप्लीटली क्या हो गया डिवाइडेड हो गया है और ये किसको टच कर रहा है मिड मिडरिप को टच कर रहा है मान लो ये लीफ ऐसी थी ठीक है अगर हम सिंपल लीफ के कंपैरिजन में ये लीफ को देखें ये लीफ ऐसी थी तो ऐसी लीफ होगी तो हम बोलेंगे सिंपल लीफ अब ये लीफ में क्या हो गया डिवीजन हो गया अब ये लमाइना में क्या हो गया डिवीजन हो गया ये लीफ कंप्लीटली डिवाइड होके यहाँ टच करिए मिड री मिड रिप को टच करिए इसके जो इंसाइजेंस हैं वो किसको टच कर रहे हैं टच दी मिड रिप ऑफ द लीफ तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड लीफ और ये जो छोटे छोटे हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये 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 जो मिड रिप को टच कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लीफलेट्स इनको क्या बोलते हैं हम लीफलेट्स ठीक है ये क्या है हमारे लीफलेट्स हैं आई होप आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा नाउ सी अभी हमने पामेटली कंपाउंड लीफ एंड अभी हमने देखा कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या है ठीक है सिंपल लीफ तो सिंपल होती है बट कंपाउंड लीफ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं

पामेटली कंपाउंड लीफ नाम ही उसको इसलिए दिया गया क्योंकि वो किसकी तरह लगती है हमें एक पाम की तरह लगती है ठीक है पाम मतलब हमारी हथेली ठीक है इसकी तरह हमें लगती है क्यों क्योंकि जो आ, पामेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं वो पीटीओल के क्या अपर पार्ट से ठीक है पिटीओल के टिप्स अराइज होती है लीव्स और रेडिएट करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएट करती है तो हमें क्या लगता है कि वो फिंगर की तरह हमें लुक दे रही है ठीक है ये मैंने पामेटली कंपाउंड लीव बनाई है अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या है पिटियोल के मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है पिटियोल क्या होता है और राइट पिटियोल दिस इज द पिटियोल ये पिटियोल है हमारा दिस इज पिटिओल ठीक है पिटीओल की टिप से क्या ये क्या हो रही है लीफ अराइज़ हो रही है और रेडिएट कर रही है ये इस डायरेक्शन में रेडिएट कर रही है ये इस डायरेक्शन में इसमें 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 सो ये किसकी तरह हमें लुक दे रही है इट गिव्स अ लुक लाइक अ फिंगर फ्रॉम अ पाम कि हमें क्या निकलिए फिंगर्स निकल लिए हमारे पाम से तो उसकी तरह ये लुक देते हैं तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है पामेटली कंपाउंड लीव अब ये पामेडली कंपाउंड लीव भी क्या होती है डिफरेंट तरीके की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स ये जो लीव रेडिएट हो रही हैं वो किस तरीके से रेडिएट हो रही हैं उसके बेसिस पे पामेटली कंपाउंड लीव डिफरेंट टाइप की हो सकती है दीज लीव कैन बी यूनिफोलिएट जहाँ पे पिटीओल से सिर्फ एक ही फोलिया निकल रहा हो एक ही क्या निकल रहा हो फोलिया मतलब एक ही लीफ निकल रही हो उसको हम बोलेंगे यूनिफोलिएट यहाँ पे दो निकलने होंगे उसको हम बोलेंगे बायफोलिएट बट जो लमाइना है वो क्या रहा हो रहा होगा डिवाइड हो रहा होगा तभी तो वो कंपाउंड लीफ है और राइट यूनिफोलियट भी हो सकती है बाइफोलिएट भी हो सकती है ट्राईफोलियट भी क्वाड्रीफोलियट भी एंड मल्टीफोलियट अभी हम देखेंगे डिफरेंट डाइग्राम्स इसके तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिफोलियेट क्या है बाइफोलिएट क्या है एंड फर्दर मल्टीफोलियट ट्राइफोलिएट लीव्स क्या है ओके सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ राइट right, अभी तक हमने पढ़ा पामेटली कंपाउंड लीव क्या होती है उसका हमने डायग्राम देखा था अब हम देखेंगे कि पामेटली कंपाउंड लीव भी कितने टाइप की होती है और राइट right, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था यूनिफोलिएट होती है बाईफोलिएट होती है ट्राई होती है तो अब हम देखेंगे उसके विथ डाइग्राम ठीक है तो डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा सो मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज आपको बता सकूं और राइट right? तो यूनिफोलिएट में हम देखेंगे वेन सिंगल लीफ इज फाउंड यूनिफोलिएट यूनि मतलब सिंगल फोलिएट मतलब फोलियर यानी कि लीफ के बारे में वो बोल रहा है जब सिंगल फोलिया प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे यूनिफोलिएट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंगल फोलिया है ये डिवाइड नहीं हुआ है कंप्लीटली ओके सो दिस इज यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ बाईफोलियट में हमें देखने को मिलेगा वैन टू लीफलेट्स आर प्रेजेंट। अब हम टू लीफ नहीं बोल रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं टू लीफलेट्स बोल रहे हैं लीफलेट लीफलेट ही किसका करैक्टर है कंपाउंड लीफ का करेक्टर है दिस इज द लीफलेट जब लीफ का जो इंसाइजन है इंसाइजन किसको टच करता है मिडरिप को टच करता है तो वो लीफलेट बनाती है वही कंपाउंड लीफ का करेक्टर है ठीक है तो बाईफोलियट लीफ में हमें ये देखने को मिलता है कि टू लीफलेट आर प्रेजेंट दिस इज वन लीफलेट एंड दिस इज अनदर लीफलेट ठीक है ये एक लीफलेट है और एक ये दूसरा लीफलेट है दीज आर लीफलेट्स और राइट ये क्या है लीफलेट्स हैं तीसरा है ट्राइफोलिएट ट्राइफोलिएट के केस में हमें क्या देखेंगे व्हेन थ्री लीफलेट्स आर प्रेजेंट जब तीन लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइफोलिएट ये एक लीफलेट ये है दूसरा लीफलेट ये है तीसरा लीफलेट कॉमन उसमें हमें क्या देखने को मिलता है ट्राईफोलिएट लीफ देखने को मिलती है नेक्स्ट है, है हमारी क्वाड्री फोलिएट क्वाड्री लीफ हमें कहाँ देखने को मिलती है जब उसमें कितने leaf, प्रे, ली, लीफलेट प्रेजेंट होंगे फोर क्वाड्री मतलब फोर ये हमारे यहाँ पे वन टू एंड थ्री लीफलेट प्रेजेंट है अब क्वाड्री में हमें वन टू थ्री एंड फोर लीफलेट देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रीफोलिएट लीफलेट्स और राइट फिर है हमारा मल्टीफोलियट मल्टीफोलियट में जब हमें फोर से ज़्यादा लीफलेट प्रेजेंट होंगे या मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे मल्टीफोलियट लीफ अब यहाँ पे हमें कितने लीफलेट दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लीफलेट दिखाई दे रहे हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ, लीफ. मल्टीफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ इसका नाम क्या हो गया मल्टीफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ हम पढ़ किसके बारे में नहीं किसके टाइप पढ़े पामेटली कंपाउंड लीफ के टाइप्स पढ़े ओके अब हम देखेंगे कि पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है पहले हमने देखा था कि कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ क्या होती है फिर कंपाउंड लीफ के टाइप हो गया पामेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा टाइप है उसका पिनेटली कंपाउंड लीफ पामेटली कंपाउंड लीफ।, लीफ में हमने यूनिफोलिएट बायफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट देख लिए। अब हम देखेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ देन फिर पिनेटली कंपाउंड लीफ के टाइप्स ओके सी डेफिनेशन देखते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ की क्या है तो अ कंपाउंड कंपाउंड लीफ विद लीफलेट अरेंज्ड अलोंग साइड्स ऑफ कॉमन एक्सेस दी रैकेस और राइट तो जो भी एक कंपाउंड लीफ है जिसमें क्या होता है लीफलेट कैस कैसे अरेंज होते हैं एक कॉमन एक्सेस के अराउंड अरेंज होते हैं ठीक है यहाँ पर आप डायग्राम देखो ये क्या है हमारी कॉमन एक्सेस है दिस इज दी कॉमन एक्सेस इस कॉमन एक्सेस को हम क्या बोलते हैं रैकेस इसको हम क्या बोलते हैं रैकेस ये नाम याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है कि पिनेडली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स का अरेंजमेंट होता है वो किसके अलॉन्ग होता है कॉमन एक्सेस कॉमन एक्सेस को क्या बोलते हैं ये है, ये है, इसके अलॉन्ग क्या होगा लीफलेट्स का क्या होगा अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलते हैं पिनेडली कंपाउंड लीफ राइट एग्जाम्पल हो गया टेमेरिट दे कैन बी यूनिपिनेट इधर पैरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट बाईपिनेट ट्राइपिनेट एंड डी कंपाउंड ये क्या है पिनेटली कंपाउंड लीफ यूनीपिनेट भी हो सकती है बाईपिनेट भी हो सकती है ट्राइपिनेट भी हो सकती है और डी कंपाउंड भी हो सकती है जैसे हमने पामेडली कंपाउंड लीफ का में एग्जाम्पल देखे थे यूनिफोलिएट ट्राइफोलिएट वैसे ही हम पिनेटली कंपाउंड लीफ में टाइप देखेंगे यूनिपिनेट बाईपिनेट ट्राइपिनेट एंड डी कंपाउंड और राइट यूनिपिनेट में भी क्या होंगी वो आधर पेरी होंगी या फिर इम होंगी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा सो पिनेडली कंपाउंड लीफ में यही डिफरेंस है कि वो पामेटली कंपाउंड लीफ से इसीलिए अलग है कि उसमें क्या होता है लीफलेट्स का जो अरेंजमेंट होगा वो किसके अलाग होगा एक कॉमन एक्सेस के अलांग होगा और उस कॉमन एक्सेस को हम क्या बोलते हैं रैकेस ठीक है अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखेंगे यूनिपिनेट और यूनिपिनेट क्या होती है यूनिपिनेट में पेरी क्या होता है और इम्पेरीपिनेट क्या होता है नाउ सी यूनिपिनेट लीफ ठीक है यूनिपिनेट में हमें क्या देखने को मिलेगा देखो पढ़ो डिविजन्स अकर ओनली वंस एंड लीफलेट आर अरेन्ज्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रैकेस यूनिपिनेट में हमें क्या देखने को मिलेगा जो लीफलेट्स होती हैं वो क्या होंगी रैकेस के अलोंग बोथ साइड क्या होंगी अरेंज होंगी ठीक है और फिर एक बार ये लीफलेट बनी इसके बाद फिर कोई डिवीजन नहीं होगा ठीक है ये डिवीजन सिर्फ एक ही बार होगा और जो लीफलेट होंगी वो एक कॉमन एक्सेस कॉमन एक्सेस को हम क्या बोलते हैं रैकिस बोलते हैं रैकिस के अलांग क्या होगी अरेन्ज होंगी उसको हम बोलते हैं यूनिपिनेट ठीक है अब फिर यूनिपिनेट भी क्या है पेरी और इम पैरी में डिवाइडेड है उसको हम देखते हैं देखो पैरी में क्या होगा जहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट्स क्या होंगी इवन होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे पेरी ओके जहाँ पे लीफलेट्स का नंबर क्या होगा इवन होगा तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे ये कैसी लीफ है पेरी लीफ है अब यहाँ पे काउंट करो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यहाँ पे लीफलेट्स का अरेंजमेंट क्या है इवन है ये ये क्या है हमारी लीफलेट्स हैं ठीक है थीके? ये लीफ नहीं है कम्प्लीट ये पूरी कम्प्लीट लीफ है ठीक है ये पूरा क्या है ये कम्प्लीट लीफ है बट ये क्या है सिर्फ सिंगल एक ये लीफलेट है और राइट right? ये ध्यान में रखना है आपने ये पूरी लीफ है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है लीफ है बट एक ये स्ट्रक्चर छोटा सा ये क्या है लीफलेट है अब पैरी पिनेट में हमें ये देखने को मिलता है जो लीफलेट्स होती हैं उनका नंबर क्या होता है इवन होता है आपको कभी पैरीपिनेट यूनिपिनेट लीव दिखेंगी तो आप उसमें क्या करोगे लीफलेट का नंबर काउंट अगर करोगे तो उससे आप बता दोगे कि वो पैरीपिन्नेट लीफ है या फिर इमपेरीपिनेट लीफ है ओके कभी करके देखना आपको कोई लीफ मिलेगी तो

अब हम देखेंगे बाईपिनेट ट्राइपिनेट और डी कंपाउंड विथ इट्स डाइग्राम देखो बाईपिनेट के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लीव क्या हो रही है ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स क्या हो रही है पिनेट कंपाउंड लीव बना रही है ये हमारी मेन एक्स यहाँ पे डायग्राम हम देखेंगे ये क्या बाई है बाईपिनेट पिनेट लीव का डायग्राम है बाईपिनेट कंपाउंड लीव का डायग्राम है यहाँ पे क्या यह है ये हमारी मेन एक्सेस है ये क्या हमारी मेन एक्सेस है रैकिस जिसको हम बोलते हैं उसके दोनों साइड हमें क्या दिख रही है पिन्ट लीव दिख रही है एक साइड ये एक साइड ये ये पूरी अपने आप में कंप्लीट लीफ है पिनेट लीफ है और ये पूरी कंप्लीट पिन्नेट लीफ है और ये किसके अलोंग अरेंज है एक कॉमन एक्सेस जिसको हम बोलते हैं रैकेस ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बाई पिनेट लीफ यहाँ पे ट्वाइस हमें क्या दिखती है पिनेट कंपाउंड लीव जहाँ पे हमें दिखती है ये एक पिनेट कंपाउंड लीफ होगी और ये एक पिनेट कंपाउंड लीफ होगी ठीक है तो इसको हमने क्या बोल दिया बाई बाय पिनेट ट्राई के केस में हमें क्या देखने को मिलता है अथ्राइस पिनेट कंपाउंड लीफ यहाँ पे हमें तीन पिनेट कंपाउंड लीफ एक ही एक कॉमन एक्सेस के अलोंग अरेंज्ड मिलती है तो उसको हमने क्या बोल दिया ट्राई देखो ये कॉमन एक्सेस है इस कॉमन एक्सेस को रैकिस बोला उसके अलोंग हमें तीन कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है देखो एक ये हो गई ठीक है कॉमन एक्सेस रैकिस इसको नहीं काउंट करेंगे जब हम लीव देखेंगे ठीक है ये कॉमन एक्सेस हो गई हमारी रैकेस वाली ठीक है इसको मैंने आर लिख दिया ये रैकेस हो गई दूसरा हम जब हम बोले ट्राइस आ, पिनेट कंपाउंड लीफ मिल रही है तो ट्राइस कौन कौन सी हैं एक ये हो गई ठीक है दूसरी ये हो गई तीसरी ये हो गई तो ये हमें क्या देखने को मिल रही है तीन कंपाउंड पिनेट कंपाउंड लीव देखने को मिल रही है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया ट्राई पिनेट ठीक है हमें हर देखो हर लीफलेट में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है थ्राइस पिनेट कंपाउंड लीव दिख रही ली है ये एक लीफलेट जिसको हमने ये एक तरीके की अपने आप में पिन्टली कंपाउंड लीफ होगी ये एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ ये एक पिनेट कंपाउंड लीफ तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया ट्राई पिननेट नेक्स्ट जो है डी कंपाउंड डी कंपाउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा जहाँ पे तीन से ज्यादा हमें कम पिनेटली कंपाउंड लीव देखने को मिलेगी तो उसको हमने क्या बोल दिया डी कंपाउंड ठीक है और वो भी किस में अरेंज रहेंगे कॉमन एक्सेज ये कॉमन एक्सेस होगी ये एक लीफ ये दो लीफ ये तीन और फिर ये तीसरी में ये चौथी भी निकल गई है ठीक है तो इसलिए इसको हमने क्या बोलते हैं डी कंपाउंड जैसे हमने पामेटली कंपाउंड लीफ के, के केस में देखा था यूनिफोलिएट बायफोलिएट ट्राइफोलिएट क्वाड्रीफोलियट क्वाड्रीफोलियट के बाद हमने मल्टीफोलिएट बोला था वहाँ पे कि अगर चार से ज़्यादा फोलिए हमें मिलेंगे तो वहाँ पे हमने बोला था मल्टीफोलिएट वैसे ही हमने यहाँ पे ट्राईपिनियट के बाद अगर हमें ट्राइस्पिनेट कंपाउंड लीफ के बाद कोई और कंपाउंड लीफ मिल रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया डी कंपाउंड ओके आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टिल दैन बाय एंड टेक केयर